नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लास के यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैंने सुल्तान प्रैक्टिस सेट को बीच में रोका हुआ था। बीच में मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया था, फिर मैंने उसको रोका था इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी बीच में, इसलिए मैंने वीडियो भी मैं नहीं डाल पाया। लेकिन हाँ, जो आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो चल रही है वो लगातार आपके लिए मिल रही है, आप उसको जरूर देखिए, जिसमें दो पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। अब सुल्तान प्रैक्टिस सेट भी लगातार होगी और CBT 2 के लिए जो मैथ की प्रैक्टिस सेट हम लोग चला रहे थे वो भी अब होगी। एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं बाइक से गिर गया था तो मेरे हाथ में और पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी, तो इसलिए मैं वीडियोज़ को नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैथ के लिए क्वेश्चन इकट्ठे करने पड़ते, उसकी टाइपिंग भी करनी पड़ती, तो काफ़ी ज़्यादा काम होता है, इसलिए मैं वो नहीं कर पा रहा था। अब लेकिन आपको मैथ में 35 में 35 मैं कन्फर्म पक्का करा रहा हूँ क्योंकि पेपर एकदम पास आ गया है और सभी चीज़ें आपकी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। टाइम को भी नहीं वेस्ट करेंगे, सीधे क्वेश्चन को देखेंगे। 10-10 क्वेश्चन आपको करा दूंगा, CBT 2 के जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो भी आप लोग देख लीजिएगा, उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी इसके लिए, आप बेल आइकन भी जरूर क्लिक करिएगा। अनअकैडमी अभी आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैंने क्रैश कोर्स कराया है जहाँ पर मैं आपको बेसिक जो है पूरा का पूरा चैप्टर्स कंप्लीट करा रहा हूँ। यहाँ तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कराऊंगा लेकिन वहाँ पर चैप्टर्स भी कंप्लीट करा दूंगा, तो अगर आपको चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, बहुत सारे आपको चीज़ें वहाँ पर मिलेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर मेरा लिंक है, वहाँ से आप लोग चीज़ें जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको मैं हर एक चीज़ वहाँ पर बताते रहता हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, लेवल थोड़ा सा अच्छा मैंने आज डाला हुआ है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन से कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन को बात करेंगे, कैसे इन क्वेश्चन से निपटेंगे वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वो आपके काम आएगा, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि विजय ने 4800 रुपये खर्च करके एक टीवी खरीदा और उसकी लागत का 10% उसने मरम्मत पर खर्च कर दिया, यानी 4800 रुपये का उसने तो टीवी खरीदा और इसका 10%। अब बच्चे क्या करोगे आप लोग कि 10% आपको निकालना, तो आप ये नहीं कहोगे कि इसका निकालें हम गुड़े 4800 गुड़े 10/100 ऐसे निकालेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे। 10% मतलब पीछे से एक जीरो कम कर दीजिए, यानी 480 रुपये उसने खर्च किया टीवी के मरम्मत पे, तो अब कुल मिला के कितना रुपया हो गया उसका, 5280 हो गया। यानी एक्चुअली में उसे कुल टीवी खरीदने में कितना रुपया खर्चा करना पड़ा, 5280। भाई सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए कि आपके पास आपने कोई चीज़ खरीद के लाया, ठीक है, आप मानिए 100 रुपये का आप कोई चीज़ खरीद के लेके आए लेकिन वो चीज़ ख़राब थी, तो भाई उसने कहा कि भैया हम आपको 70 रुपये में दे देंगे और 20 रुपये इसका बनवाई लग जाएगा तो आप बनवा लीजिएगा, तो आप कहोगे ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको एक्चुअली में वो चीज़ कितने की पड़ी, एक्चुअली में तो वो चीज़ आपको 90 की पड़ी ना, ठीक है। तो इसी तरीके से एक्चुअली में उसको ये टीवी कितने की पड़ गई, 580 रुपये का पड़ गई, लेकिन उसने ये कहा कि उसके ऊपर वो शुद्ध रूप से 1440 रुपये कमाना चाहता है, यानी 5280 के बाद वो चाहता है कि भैया हमको इस पर 1440 रुपये और मिल जाए, यानी हम 1440 का लाभ कमा ले बेचने के बाद, यानी वो चाहता है कि वो टीवी को कितने में बेच ले, दोनों को जोड़ देंगे 6720 रुपये में बेच ले। टीवी थी कितने की, 5280 में थी, कितने का बेचना चाह रहा है, 6720 रुपये का बेचना चाह रहा है, ठीक है। टीवी की थी कितने की, 5280 रुपये की थी, कितने का बेचना चाह रहा था वो, 6720 रुपये का बेचना चाह रहा है। तो उसने कहा है कि उसे टीवी की खरीद मूल्य पर कितने % और जोड़ लेना चाहिए, खरीद मूल्य कितना थी, 4800 थी, बस आपको यही यहाँ पे समझना है कि 4800 रुपये में वो आपसे पूछा है कितने रुपये और जोड़ लेना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है और हम 4800 पर ही निकालेंगे क्योंकि खरीद मूल्य पर उसने कहा है, ना कि कुल खरीद मूल्य पर। उसने कहा कि भैया इसमें हम 1440 नहीं जोड़ेंगे, यानी 480 वाला हम लोग 5280 पर नहीं निकालेंगे, सिर्फ 4800 पर निकालेंगे। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 40%, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, सॉरी डी है, वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, बेल आइकन भी क्लिक करिएगा, आप लगातार आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगी और अच्छा लेवल आपको लेके जाएंगे और बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा देंगे। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, और भी अच्छा क्वेश्चन है, कैसे कैसे लगाएंगे, हर एक चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। 60 मीटर लंबा, देखिए ये है जो आपका जो चैप्टर है ये मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन, और मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन आएंगे, एडवांस का क्वेश्चन आएगा लेकिन आपने अल्जेब्रा ट्रिकोणमिति ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, हम मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन में जरूर आएंगे, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। 60 मीटर लंबा, 40 मीटर चौड़ा एक आयताकार फर्श है, उस पर 0.4 भुजा वाली को अटोगा वगैरह टाइल्स लगवाने हैं, ठीक है, और टाइल्स की जो कीमत है वो है 5 रुपये, तो आपसे पूछा है टाइल्स की जो कीमत वो है, टाइल्स की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, ठीक है, कुल टाइलों की कीमत, मैं वहाँ पे देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या, हाँ कुल टाइलों की कीमत आपसे पूछा कि कितनी होगी, कुल टाइलों की कीमत 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा आयताकार फर्श पर 0.4 लिखा हुआ, ये 0.4 मीटर भुजा वाले वगैरह टाइल्स लगवाने हैं, एक टाइल की कीमत है 5 रुपये, तो कुल टाइल्स की आपको पूछा है कीमत कितनी होगी, ये क्वेश्चन आप सबसे पूछा हुआ, अगर एक टाइल्स की कीमत आपको दिया है तो कुल टाइल्स की कीमत आपसे पूछा है, कैसे लगाएंगे ध्यान से देखिएगा। आयताकार फर्श है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 60 × 40, कैसे, लंबाई गुड़े चौड़ाई होता है, किसी भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुड़े चौड़ाई होता है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे कि 0.4 मीटर भुजा वाले वगैरह टाइल्स लगवाने हैं, वर्ग वाले टाइल्स है तो वर्ग का हम लोग क्षेत्रफल निकाल देंगे,
पॉइंट फोर है तो पॉइंट फोर का हमने क्षेत्रफल निकाला तो कितना आ गया, 0.16 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। एक टाइल से कीमत कितनी है, 5 रुपये है। कुल टाइल्स की कीमत हो जाएगी 2400 वर्ग मीटर, तो पूरा का पूरा वो फर्श है। एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है, 0.16 है, हम क्षेत्रफल से क्षेत्रफल में ही डिवाइड कर सकते हैं। एक टाइल्स की कीमत कितनी, 5 रुपये है, तो हम यहाँ से निकाल देंगे तो 75,000 रुपये आपका आंसर सही आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत होगा क्वेश्चन में तो जरूर कमेंट करिएगा। थोड़ा सा फास्ट मुझे लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं स्लो करूँगा, आप परेशान मत होइए, बिल्कुल भी स्लो स्लो करेंगे, चीज़ें समझ में आपको आएंगी और सभी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार तरीके से समझ में आएंगी और आप कहोगे कि हाँ एक्चुअली में अब आपने जो प्रैक्टिस मैंने शुरू किया है वो आपके लिए बेनिफिट होंगे और उससे आपको सभी की सभी चीज़ें समझ में आएंगी। परेशान मत हुआ करिए, जो भी चीज़ें हम लोग करा रहे हैं बेहतरीन कराएंगे, सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन आता है, एक जलाशय में जिसकी क्षमता आपसे कहा है कि 500 लीटर है उसकी क्षमता, कोई जलाशय है उसकी क्षमता है 500 लीटर, इसको भरने के लिए उतनी बाल्टियां भरकर डालनी पड़ी जितनी की प्रत्येक बाल्टी की क्षमता थी, ठीक है, जितनी बाल्टियां पड़ी उतनी प्रत्येक बाल्टी की क्षमता थी और 69 लीटर में जो है वो पूरा का पूरा जलाशय भर जाता है, तो प्रत्येक बाल्टी की जो क्षमता है वो कितने लीटर थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा कंप्लीट नहीं टाइपिंग हो पाया है, मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 500 लीटर का कोई जलाशय है, उतनी ही बाल्टियाँ लगी जितनी की एक बाल्टी की क्षमता थी और 69 लीटर में पूरा का पूरा जलाशय भर जाता है, तो एक बाल्टी की क्षमता कितनी थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और मज़ेदार क्वेश्चन है। तो हम ये मान लेते हैं भैया कि एक बाल्टी की क्षमता कितनी थी, एक्स थी। सबसे पहले तो आप लोग इसको लगाया करिए, जो भी क्वेश्चन मिला करे उसको आप लोग लगाया करिए और फिर आप बताया करिए कि उसका सही आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मिला करे उसको कौन लगाएगा, आप लोग लगाया करिए और फिर बताया करिए कि उसका सही आंसर कितना आएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि हम मान लेते हैं कि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता कितनी थी, एक्स थी। एक्स बाल्टी की क्षमता थी और एक्स बाल्टियां ही लगी प्लस 69 लीटर में पूरा का पूरा टैंक था वो भर गया। अब ये टैंक की क्षमता कितनी आ रही है, 500 लीटर टैंक की क्षमता आ रही है। बस इधर आप उनसे को माइनस करिए, 441 हो गया, एक्स इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर कितना आ गया, 20 बन आ गया, यही आपका सही आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था, आपको आ गया होगा मुझे बिल्कुल आशा है। क्या था क्वेश्चन में, 500 लीटर था टंकी की क्षमता, 69 लीटर बाल्टियां पानी और डालनी पड़ी, जितनी बाल्टी थी उतना लीटर और लगा और आंसर आपका 21 लीटर आ गया, ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन से आपको भी खुद भी लग रहे होंगे कि हाँ सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको मिले हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ने 3660 रुपये की कोई वस्तु बेची, उसे जो लाभ हुआ उस हानि की धनराशि का ठीक 2 गुना था, यानी जितना उसे लाभ हुआ उससे 2 गुना उसे हानि हुआ, तब होता उसे हानि तब होता जब वो 2400 में उसे बेचा जाता, तो वस्तु का खरीद मूल्य क्या है, ये क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया है, ठीक है। उसे जितना लाभ हुआ उससे दुगुना हानि उसे तब होता जब वो वस्तु को 3600 में 60 में ना बेच के 2400 रुपये में बेचता, तो आपसे पूछा वस्तु की खरीद मूल्य कितनी होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में कराया हुआ है, अनअकैडमी मैंने आपको कराया हुआ है, विश्वास करिए आप लोग अगर आपको सिलेक्शन लेना है एक्चुअली में तो अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप बड़े बड़े कोचिंगों में पढ़ते हो, मैंने चीज़ आपको वहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा दी है और आप वहाँ पे जाके बस जरूर देखिए चीज़ों को, वहाँ पर जरूर फॉलो करिए, आपको इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिलेंगी, कोई फीस नहीं लगना, कोई कुछ भी नहीं लगना, आपको काफ़ी शानदार चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, तो एक बार जरूर आइए आप लोग अनअकैडमी पे, चीज़ें आपको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मिलेंगी। हम इस तरह के क्वेश्चन में करते क्या, दोनों हमारे पास जो रुपीज़ दिए होते हैं उन दोनों का हम लोग माइनस कर देते हैं, तो 3660 में से हम क्या करेंगे, 2400 रुपये यहाँ पे माइनस करेंगे, 3660 में से हम क्या करेंगे, 2400 रुपये माइनस कर देंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, लाभ और हानि अगर यानी कि प्रॉफिट और लॉस होगा तो हम चीज़ों को प्लस कर देंगे, लॉस या प्रॉफिट होगा तो भी चीज़ों को प्लस कर देंगे, प्रॉफिट और प्रॉफिट होगा तो चीज़ों को माइनस कर देंगे, और लॉस होगा तो चीज़ों को माइनस कर देंगे। समझे एक बात कि अगर अपोजिट चीज़ें होंगी तो हम चीज़ों को वहाँ पे प्लस करेंगे और एक जैसी चीज़ें होंगी तो चीज़ों को माइनस करेंगे, अगर अपोजिट चीज़ें होंगी तो चीज़ों को हम लोग प्लस करेंगे और एक जैसी चीज़ें होंगी तो चीज़ों को हम लोग माइनस करेंगे। दोनों क्या है, एक लाभ हो रहा है, एक प्रॉफिट वहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ये लाभ 1 गुना है और हानि कितना है, 2 गुना है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1260/3, 3 से काटोगे 3 चौक 12, 3 6 420 आपका आ गया, लेकिन ये आंसर नहीं है, जरा एक मिनट रुकिएगा, ये आंसर नहीं है। 3660 बेचने पे लाभ हो रहा है 1 गुना का, तो हम 3660 है उसमें से लाभ के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ तो 420 माइनस कर देंगे, आपको यही समझना है, ठीक है, क्योंकि हमको तो एक्चुअली खरीद मूल्य निकालना है, तो लाभ वाला माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 3200। देखिए 3660 में से आप लाभ वाली चीज़ें क्या कर दोगे, वहाँ पे माइनस करोगे, जब तक माइनस नहीं करोगे तब तक आपका क्या हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। या तो आप एक काम कर सकते हो,
कि यहाँ पे जो उसको लाभ हुआ 3660 में, उससे 2400 बेचने पे उसे दुगना उसका हानि हुआ है। ठीक है, 2400 में बेचा जाता है तो उससे वो दुगना हानि हुआ है, तो या तो हम इसका डबल करके उसमें जोड़ दें 2400 रुपये में, या तो हम क्या करें 3600 वाले में 420 माइनस कर दें, तो 3240 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन में नहीं दिया तो क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन सभी के सभी गलत है। 3240 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला आता है 1945 प्रश्न पत्र थे, एक बंडल में इन्हें पैक किया गया और इस तरीके से पैक किया गया कि बंडल में उतने ही प्रश्न पत्र थे जितने की बंडल हैं। इस तरह करने पर कितने प्रश्न पत्र बाहर छोड़ने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो किसने पत्र कितने प्रश्न पत्र होंगे जो आपको बाहर छोड़ने पड़ेंगे। तो अगर 1945 का वर्गमूल निकालोगे ना तो 9 आपका जो है वो रिमेनिंग बच जाता है और 9 ही क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1945 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9 वहाँ पे रिमेनिंग बच जाता है और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या आ जाएगा 1936 आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था और आपके लिए बहुत बड़ी क्वेश्चन काम आता है। जैसे 1936 किसका स्क्वायर होता है 44 का स्क्वायर होता है, लेकिन अगर हम 9 जोड़ देंगे तो 1945 हो जाएगा। ठीक है, 1936 में जब 9 जोड़ोगे तो 1945 आएगा, लेकिन 1936 पूरे का पूरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जबकि 1945 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगला आता है एक आदमी अपने बेटे की आयु से 5 गुना बड़ा है। कोई आदमी है अपने बेटे की आयु से वो कितना है 5 गुना बड़ा है। ठीक है, उसकी आयु जो है अपने बेटे की आयु से 5 गुना है। तो अगर आदमी एक्स है, अगर बेटा एक्स है तो आदमी कितना होगा 5x होगा। 4 साल बाद ये भी 4 साल बड़ा होगा, ये भी 4 साल बड़ा होगा, उनकी आयु का जो योग है वो कितना हो जा रहा है आपके पास 56 हो जा रहा है। तो ये कितना आ गया 5x और x 6x प्लस 4 और 4 8 बराबर हो गया 56। हम 8 को इधर करेंगे 6x बराबर हम क्या कर देंगे यहाँ पे 56 में से हम 8 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा भैया ये 48 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस होगा। x से काट दोगे तक बराबर कितना आ गया 6 × 8 = 48। x बराबर आपको कितना आ गया यहाँ पे बच्चों x बराबर आपका आ गया 8। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसको आप लोग ध्यान से देखिए और फिर आप बताएं कि हाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में उसने पूछा है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो ये तो 4 साल बाद का हो गया सारी चीज़ें और वर्तमान वाली तो हम अभी निकाल रहे हैं, तो यानी वर्तमान में वो एक्स का था तो एक्स बराबर कितना आया 8 आया, तो 8 साल यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन से आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि जो आपका इस तरीके से एज वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें परेशान नहीं होना है, इसमें जो चीजें होंगी वो परफेक्ट चीजें होंगी, यानी आप एक्स से ही करोगे ना तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन अगर आप परेशान होंगे नहीं मुझे ऐसा नहीं वैसे करना है अपना रेशियो मान के लगाना कैसे भी लगाना तो बहुत दिक्कत होगी, आप वहां पे चीजों को उतने आसानी से नहीं कर पाओगे जितना आप लोग यहां पे कर लेते हो। अगला क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका क्लियरिटी आपको मैंने नहीं दिया पाया, मैंने लिख नहीं पाया इसको कि समीकरण में दिया है प्रश्नवाचक जो चिन्ह उसके लिए क्या होगा। क्वेश्चन था 142.362 प्लस 217.78 प्लस यहाँ पे आपका काम बना है क्वेश्चन मार्क बराबर 453.072। पूछा है कि इसकी जगह पे क्या होगा, ये आपसे पूछा है, हम इन दोनों को जोड़ देंगे इससे माइनस कर देंगे। मैंने इसलिए दिया ताकि आप जो पॉइंट है उसके नीचे पॉइंट आप नंबर लिखो ताकि आपको इस चीज़ समझ सके कि 217.78 यहीं तक, अगर ऐसा ना हो कि आपने पीछे से लिखना शुरू कर दिया इसलिए मैंने आपको दिया था। इस दोनों को जोड़ दीजिए, ये आप माइनस कर दोगे तो मुझे लगता है कि देखिए मैं बस जोड़ देता हूँ, तो फिलहाल अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये 2, 8, 6, 14, 7, 3, 10, 11, 7, 2, 9, 1, 10, 5, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 3। ठीक है, 360 पॉइंट समथिंग आ गया। अब 453 में से हम इतना ही क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 453 में से जब आप 360 पॉइंट समथिंग माइनस करोगे तो सही आंसर आएगा 92.93, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देने का जो सिंपल मतलब था वो ये था ताकि आपकी पॉइंट वाली चीज़ें उसकी समझ में आपको होने लगे, वो चीज़ें आप थोड़ा सा समझने लगो। अगला क्वेश्चन आता है, एक कुर्सी की कीमत 341 रुपये, मेज की कीमत है 852 रुपये, 5 दर्जन कुर्सी खरीदी गई, 4 दर्जन मेज खरीदा गया, तो कुल कीमत कितनी होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे भैया कि 5 × 341 कर देंगे और क्या करेंगे वो 4 × 852 कर देंगे और उनका जो आंसर आएगा फिर देखेंगे कि ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ बता दूं कि 5 दर्जन कहाँ है और 1 दर्जन में होती हैं 12 कुर्सियाँ, तो 5 दर्जन में 12×5=60, 4 दर्जन कहाँ तो 1 दर्जन में होती 4 कुर्सियाँ, तो 12 दर्जन में होंगे 12×4=48। अब आप क्या करोगे इसका मल्टीप्लाई करोगे और 61,356 रुपये सही आंसर आएगा। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे हो गया, आपने तो सही आंसर कैसे बता दिया, तो बच्चों बड़ा सिंपल है, समझना कैसे है वो चीज़ें आप थोड़ी सी देखिए कि लास्ट में क्या आपका 0 आ रहा है। देखिए 2×2 और 5×2=10, ठीक है ऐसे देखिए 2×1 यहाँ पे लिखा हुआ ना 12×5=60, 6×6 यहाँ पे लगभग आपको क्या आ जाएगा लास्ट में 0 आ जाएगा,
ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे करोगे तो 12 चौक 48 8 और 8 दूनी 16, लास्ट में कितना आ गया 6 आ गया। तो 6 वाला ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 61,356 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि हमें दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, गुणा करना तो भाई 0 हो जाता है, लेकिन जोड़ना तो हमारा वही आंसर सही हो जाएगा। अगला आता है कि श्याम ने 50,000 लिखा ना, 50,000 लगा कर व्यापार शुरू किया, 4 महीने बाद राम भी आया और इतने ही पूंजी के साथ वो शामिल हो गया, तो बताइए उन लोगों का लाभ कितना होगा। तो श्याम ने 50,000 लगाया कितने सालों के, कितने महीनों के लिए, 12 महीने के लिए, क्यों, क्योंकि वर्ष के अंत में कहा है। राम ने भी कितना लगाया पूंजी, 12,000 रुपये लगाया, लेकिन ये सिर्फ 8 महीनों तक रहा, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ कितने महीनों तक रहा, 8 महीने तक, क्योंकि वो 4 महीने बाद आया, 4 महीने बाद आएगा तो 8 महीने तक वो रहेगा, क्योंकि 8 4 12 हो गया, 50,000 से 50,000 दोनों चीज़ें करके 4 दुनिया 8 4 3 12, तो 3 और 2 के अनुपात में क्या हो जाएगा, इनका जो पैसा है वो बढ़ जाएगा। जिस अनुपात में पूंजी होती है उसी अनुपात में लाभ होता है, ये चीज़ें आपको समझ जाओगे तो आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से सम्प्लीट हो जाएगा। अब आता है 10वां और इस पूरे के पूरे वीडियो का सबसे शानदार क्वेश्चन, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन लगातार आएंगे, और आप ऐसे क्वेश्चन को अगर कर ले गए तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कंपनी ने 3,000 के मासिक वेतन पर एक सेल्समैन को रखा और यह बात उससे कह दी कि उसके द्वारा की गई मासिक बिक्री पर 20% कमीशन भी मिलेगा। ठीक है, कंपनी ने क्या किया है, 3,000 के मासिक वेतन पर एक सेल्समैन को रखा और उसके द्वारा की गई मासिक बिक्री पर 20% कमीशन भी मिलेगा, उसे प्रत्येक माह कितनी बिक्री करनी चाहिए ताकि उसे 10,000 रुपये वो प्रतिमाह क्या करते कमा सके। ठीक है, समझ लिया आपने क्वेश्चन को। उन्होंने ये कहा कि भैया 3,000 तुम्हारा वेतन है कि हाँ 3,000 तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तुम जितना बेचोगे उसके हिसाब से तुमको हर बेचने पर 20% का कमीशन भी मिलेगा, लेकिन आदमी चाहता है कि वो 10,000 रुपये हर महीने कमा ले, यानी 7,000 रुपये उसको कमीशन से मिल जाए, तो कितने का उसको बिक्री करना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कितने का वो बिक्री करे कि भैया ऐसी चीज़ें उसकी हो जाए। कैसे करेंगे, कमाना कुल कितना उसे 10,000 कमाना है, 3,000 तो उसका मेसिक मतलब हो गया कंप्लीट, हाँ 3,000 रुपये उसे मिलेगा, प्लस जितना बेचेगा उसका उसे कितना मिलेगा 20% मिलेगा, बस इसको इधर करिए, 7,000 हो गया बराबर x/5 हो गया, x बराबर कितना हो गया 35,000 हो गया, समझ में आया ना। इस पे ये क्वेश्चन होता है जो छोटे टाइप का होता है, एक क्वेश्चन होता है जो और भी ज़्यादा बेहतरीन होता है, उसको भी मैं आपको बता दूंगा करना, वो भी आगे वीडियो में आते रहेंगे। तो दोस्तों ये था 7वां प्रैक्टिस सेट सुल्तान का, जितने भी सुल्तान है जो RPSI कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग जग जाइए। अब आ गया MD क्लासेस आपके लिए शानदार चीज़ों को लेके, नीचे मैंने कई सारे प्रैक्टिस सेट खरीदने का भी लिंक दिया, अगर आप ऑनलाइन पेपर देना चाहते हो तो उस लिंक से जरूर खरीदिए, आपको बहुत सारी वहाँ से चीज़ें मिलती रहेंगी और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। वीडियो खत्म करते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ट्विटर सब पे फॉलो कर लीजिए, आपको चीज़ें वहाँ पे मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियोज, थैंक यू सो मच, प्लीज।